हेलो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम लास्ट सिक्स मंथ्स के जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं सभी को एक साथ कवर करने वाले हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा ये करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक डी लॉन्च कर दी है एक जनवरी से इकतीस दिसंबर दो तक यानी कि पूरे साल भर के करंट अफेयर्स आपको एक ही प्लेस पर मिल रहे हैं पचपन से ज़्यादा एम सी है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और आपका कोई भी एग्जाम होगा बैंक एस सी रेलवे या फिर स्टेट पी सी जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए आपको केवल यही मैगजीन पढ़नी है और सभी करंट अफेयर्स आपको इसमें कवर मिलेंगे ये हमारा कंटेंट भी आप राइट right साइड में देख सकते हैं जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सभी को हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपके लिए तैयार किया है तो डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की

क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फिनसर के साथ साझेदारी की है इंश्योरेंस कंपनी हैज पेमेंट फैसिलिटी फॉर प्रीमियम थ्रू व्हाट्सएप एंड बीमा कंपनी टाटा ए आई ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा शुरू की द दर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव टोटल ऑफ मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर विश टू इंडियन स्टेट्स टू बूस्ट एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आर्थिक अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए कुल थी तीन सौ डॉलर के ऋण कलेक्शन इन जून जून में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.61 वन लाख करोड़ रुपीज रहा हाउ मच अमाउंट बाई दर्ल्ड बैंक इन बजटरी एंड वेलफेयर सपोर्ट फॉर श्रीलंका विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए बजटी और कल्याण सहायता में

आईसीआई लम्बार जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त उत्पाद का नाम है आईशील्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमित भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु शहर स्थित सुश्रुति सौ सहकारी बैंक नियमिता का लाइसेंस रद्द कर दिया विश्व बैंक सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड पेश किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया विच ऑफ दी कम दर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सो बैंक ऑफ इंडिया आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है

भारत नामक एक अभियान शुरू किया विच विन टैक यूनिकॉर्न रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे फॉर द मलेशियन मार्केट हाल ही में रेजर पे ने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया वो साइन बिटवीन आर बी आई एंड सी बी यू आर बी आई और सेंट्रल बैंक ऑफ यू आई के बीच हुए समझौते का उद्देश्य क्या है सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोमोटिंग यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन

मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट लॉन्च की एडीबीज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान सिक्स पॉइंट फोर परसेंट रखा है उत्तर प्रदेश स्थित यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है विच बैंक विल सेटअप अ न्यू ट्रस्टी कंपनी फॉर मैनेजिंग कारपोरेट डाइट मार्केट डेवलपमेंट फंड सो एस बी आई कॉरपोरेट बाचार विकास निधि के प्रबंधन के लिए एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा विच प्लेटफॉर्म हैज क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट प्लेस फोकस्ड ऑन मंथली पेमेंट सो फोनपे ने मासिक भुगतान पर केंद्रित भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा मार्केट पेश किया है विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट जनरेटिव ए आई टूल फॉर इंश्योरेंस सिंप्लीफाई ने

उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए आवेदन किया है विश्व बैंक हैज पार्टनर विद ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट फॉर ट्रेटर ट्रैक्टर फाइनेंसिंग ट्रैक्टर वित्त पोषण के लिए इंडियन बैंक ट्रैक्टर और फार्म उपकरण के साथ साझेदारी की है वट इज द रिवाइज जी डी पी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड

लेक करोड़ रुपीस यूनाइट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड विच बायोसाइंस एन एम ओ यू टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एब्सोल्यूट जो कि बायोसाइंस कंपनी है इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए समझौते के आभर पर स्ट्रक्षर किए हैं तो ये क्योंकि इंश्योरेंस से संबंधित है इसलिए इसमें हमने इंक्लूड किया इंश्योरेंस संबंधित क्वेश्चन है

शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए दो सौ मिलियन इन्वेस्टर के ऋण पर हस्ताक्षर किए कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया विच बैंक अ रिपोर्ट इंडिया टू बिकम द दर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष दो हजार अट्ठाईस तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना प्रकट करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है विच बैंक हैज़ पार्टनर विद द्वारा के जी एफ एस फॉर माइक्रोलोन्स एच डी एफ सी बैंक ने सूक्ष्म ऋण के लिए द्वारा के जी एफ एस के साथ साझेदारी की है विच बैंक हैज़ ओवरटेकन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू अर्न टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्राइसिल्स ग्रीन विच मार्केट शेयर लीडर्स इन लार्ज कॉरपोरेट बैंकिंग दो हजार तेईस के लिए क्रेसिल की कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एच डी एफ सी बैंक एस बी आई से आगे निकल गया कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर हाउ मच हायर वॉज द जी एस टी रेवन्यू कलेक्शन फॉर जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में जुलाई दो हजार तेईस में जीएसटी राजस्व संग्रह ग्यारह प्रतिशत अधिक था परसेंटेज डिट द कम्बाइंड इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज प्रोविजनली इन जून दिस ईयर इस वर्ष जून में आठ प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में से आठ दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि हुई विच कंपनीज पार्टनरिंग विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू एंटर इंडिया असेट मैनेजमेंट सेक्टर भारत के परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ब्लैक रॉक कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी कर रही है विच फिनटे कंपनी हैज लॉन्च मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट सो रेजर पे मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट लॉन्च करेगी विच बैंक हैज फोस्ड अ पार्टनरशिप विद आई बी एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू को क्रिएट अ कटिंग एज डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अत्याधुनिक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है वेयर आर बोथ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड बेस्ड द आर बी आई द स्कीम ऑफ अमल कमेशन फॉर दीज बैंक नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड और राजधानी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है आर बी आई ने हाल ही में इन बैंकों के लिए समामिलन योजना को मंजूरी दी है वट वॉज द वैल्यू ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जुलाई दो हजार तेईस में यूपीआई लेन देन का मूल्य पंद्रह दशमलव तीन चार लाख करोड़ रुपए रहा विश्व बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के माध्यम से सात दशमलव पाँच चार प्रतिशत ही कूपन दर पर दस हजार दस हज़ार करोड़ रुपए जुटाई है स्टार्टिंग फ्रॉम विच स्टेट विल द ट्वेंटी एट परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट भी एप्लीकेबल टू ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसे ऑनलाइन गेमिंग और कैसे पर अट्ठाइस प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर दर एक अक्टूबर दो हजार तेईस से लागू होगी अकॉर्डिंग टू एस एन पी ग्लोबल वट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द पीरियड फ्रॉ फिजिकल ट्वेंटी फोर टू फिजिकल थर्टी फर्स्ट एस एन पी ग्लोबल के अनुसार फिजिकल ट्वेंटी फोर से फिजिकल थर्टी फर्स्ट की अवधि में भारतीय अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट रहेगी

6.50 परसेंट पर अपरिवर्तित रखा है वट इज द दॉनिटी पेनल्टी इम पोस्ट बाई आर बी आई ऑन मंगल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर आर बी आई द्वारा एक लाख रुपये का मौत्रिक जुर्माना लगाया गया विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च एन ईको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर्स सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद आई सी आई सी लम्बार जनरल इंश्योरेंस टूफर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मोटर बीमा पॉलिसियों को पॉलिसियों की पेशकश करने के लिए बजाज फाइनेंस ने आई सी आई सी लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ सायदारी की इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर हैज साइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक टू स्केल अप इंडियन स्टार्टअप राइट आंसर इज ऑप्शन ए येस बैंक हाउ मच अमाउंट वॉज कलेक्टेड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा न्यूनतम शेष न रखने पर इक्कीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वसूल की गई है वट इज़ द न्यू टाइम नाइन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर द क्लोजर ऑफ पब्लिक इशू सार्वजनिक निगम बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की नई समय सीमा तीन दिन की है विच बैंकों फर्स्ट ट्वेंटी फोर सेवन लाइव वीडियो बैंकिंग सर्विस इन इंडिया फाइनेंस so, ने भारत में पहली ट्वेंटी सेवा शुरू की फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ऋण और जमा वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ विच टू कंपनीज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंटरप्राइजेस एंड सोनी इंडिया के विलय को मंजूरी दी वट वॉज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जून 2023 जून 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर तीन दशमलव सात प्रतिशत रही है से बी रिड्यूस द अप्रूवल वैलिडिटी पीरियड फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिक्स मंथ्स टू फोर मंथ्स

जुलाई 2023 हजार तीस में भारतीय कुल निर्यात का अनुमानित मूल्य 59.43 बिलियन यूएस डॉलर रहा अकॉर्डिंग टू एन आई पी एफ पी रिसर्चर व प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर फिस्कल ट्वेंटी फोर एनआईपीएफपी के अनुसार फिस्कल ट्वेंटी फोर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर छह प्रतिशत रही विद सब्सिडी ऑफ आर बी आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फिक्शन लेस क्रेडिट आरबीआई की सहायक कंपनी आरबीआई फिक्शन लेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है वट इज द टाइटल ऑफ यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्ड बाई नेशनल पेमेंट्स कॉपरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट्स कॉपरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए यू पी आई सुरक्षा जागृता अभियान का शीर्षक है यूपीआई चलेगा वट डज उदगम स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आरबीआई पोर्टल आर बी आई के पोर्टल के संदर्भ में उद्गम का अर्थ है अनक्लेम्ड डिपोजिट्स गेट वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हुज बीन अप्रूड बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर सी ऑफ साउथ इंडियन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सी के रूप में पी आर शशदरी के नाम को मंजूरी दी वट आर द न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैल्यूज फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स इन जुलाई ट्वेंटी जुलाई दो में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बारह पंद्रह एंड बारह छब्बीस पॉइंट रहा है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव फोर्टी पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर लोन फॉर अर्ली चाइल्ड हुड डेवलपमेंट एंड मेटर्नल मेंटल हेल्थ इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में, में प्रारंभिक बचपन विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए चालीस मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी वट अमाउंट ऑफ मोनेट पेनल्टी वाज इम्पोस्ड बाय आर ऑन वालचंद नगर सहकारी बैंक वालचंद नगर सहकारी बैंक पर आर द्वारा चार लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया एज पर द आरबीआई स्टार्टिंग फ्रॉम दिल विल एन इंटरेस्ट नो लॉन्गर बी लिवाइड बाई बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आर बी आई के अनुसार एक जनवरी दो हजार चौबीस से बैंक को ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा विच बैंक लॉन्च द आयिस मोबाइल बैंकिंग एप सो यस बैंक ने आयरिस मोबाइल बैंकिंग एप लॉन्च किया विच बैंक हैज़ पार्टनर विद फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जोकाटा टू प्रोवाइड डिजिटल लॉन्च टू एमएसएमईस एस एम ईस तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने एमएसएमईस को डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय सलाहकार और प्रौद्योगिकी कंपनी जोकाटा के साथ साझेदारी की विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट सो कैनरा बैंक ने आरबीआई के सी बी डी सी प्लाइट प्रोजेक्ट के रूप में यू पी आई इंटर डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस जीवन धारा सेविंग्स बैंक अकाउंट सो कैनरा बैंक ने जीवन धारा बचत बैंक खाता शुरू किया वट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनिटरी पेनल्टी पॉजिटिव है आर बी आई और रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र रत्नागिरी शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र पर आर बी आई द्वारा लगाए गए मौतिक दंड की राशि दो लाख रुपये है अकॉर्डिंग टू आई सी आर ए रेटिंग्स वट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द अप्रैल टू जून पीरियड ऑफ द करंट फेसकल इी आर रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि में भारत के अनुमानित आर्थिक विकास दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत है वट इज द न्यू अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन सेट बाय द आरबीआई आरबीआई द्वारा ऑफलाइन भुगतान लेन देन के लिए नई ऊपरी सीमा पाँच सौ रुपये निर्धारित की गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ्रंटियर मार्केट्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव ज्वाइंट हैव ज्टली लॉन्स शी लीड्स भारत उद्यम इनिशिएटिव सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ्रंटीयर मार्केट्स और कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ने संयुक्त रूप से शी लीड्स भारत उद्यम पहल शुरू की अकॉर्डिंग टू के एस्टीमेटेड ग्रोथ रेंज फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर फेजिकल ट्वेंटी फोर केयर रेटिंग्स के अनुसार फिजिकल ट्वेंटी फोर के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनुमानित ऋण वृद्धि सीमा तरह से साढ़े तेरह प्रतिशत है

लक्ष्यसेन सात्विक साई रंग की रेड्डी चिराग शेट्टी त्रिषा जौली एंड गायत्री गोपीचंद डीबीएस बैंक ने पांच बैडमिंटन खिलाड़ियों लक्ष्यसेन सात्विक साई राज राम रेड्डी चिराग शेट्टी त्रिषा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है विच स्कीम वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस ट्वेंटी ट्वेंटी गोल्ड सो स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता बाई हाउ मच did द index ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कम्पेयर टू जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू जुलाई दो हजार बाईस की तुलना में जुलाई दो हजार तेईस में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में आठ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई विच बैंक हैज़ लॉन्च इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है वट वॉज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द अप्रैल टू जून पीरियड ऑफ fiscal ट्वेंटी फोर फिस्क्री ट्वेंटी फोर की अप्रैल से जून अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि दर या विकास दर सेवन पॉइंट एट

हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड स्पॉन्सरशिप डील विद विच इंडियन बैंक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंडस बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए विज ऑफ द फॉलोइंगज लॉन्च सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड सो एस ने सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड लॉन्च किया विच मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैच कंपनी टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न ए आई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बच्चों को ए आई में निपुण बनाने के लिए एडोबी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए विच पेमेंट प्रोसेसिंग कारपोरेशन लॉन्च ऑल्ट आई डी सोल्यूशन फॉर इन्हैंस ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी सो मास्टर कार्ड ने उन्नत ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा के लिए ऑल्ट आई डी समाधान लॉन्च किया उदय कोटक रजिस्टर्ड उदय कोटक रिजाइंड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक हु हैज बैंकेड एंट्रिम एम डी एंड सी ऑफ द बैंक उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया बैंक का अंतरिम एम डी और सी ई दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया वट इज द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय फोन पे फॉर इट्स स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस फोन पे द्वारा अपने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय के लिए लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है शेयर डॉट मार्केट विच बैंक हैज़ पार्टनर्ट विद वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडियन बैंक ने वन कार्ड के साथ साहेदारी की विच बैंक हैज़ अनाउंस इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म सो फेडरल बैंक ने व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की वट वॉज इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एयरस पर मोडीज इन्वेस्टर सर्विस मोडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार दो हजार तेईस के लिए भारत का विकास अनुमान सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट रहा वट आर द टू टू कन्वर्जेशनल पेमेंट्स इनिशिएटिव लॉन्च बाय द एन पी सी आई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एन पी सी आई द्वारा शुरू किए गए दो संवादी भुगतान पहल हैं हेलो यू पी आई और भारत बिल पे कनेक्ट वट वॉज द टोटल एफ टी आई अमाउंट इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अप्रैल से जून दो हजार तेईस चौबीस के दौरान भारत में कुल एफ टी आई राशि दस दशमलव नौ चार बिलियन यू एस डॉलर रही विजय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज एंटर्ड इंट्रोस्ट्रेटिक पार्टनरशिप विद बजाज आलियान्स लाइफ इंश्योरेंस स बैंक ने बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक सायदारी में प्रवेश किया हुई आई सी आई सी बैंक बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आई सी आई सी बैंक के एम डी ओर सी ओ के रूप में संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है पुनः वट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जुलाई जुलाई में भारत के औद्योगिक उत्पादन में पाँच दशमलव सात प्रतिशत की वृद्धि देखी गई विष्ट ऑर्गेजेशलेबरेट टू मेक बी टू बी डिजिटल पेमेंट्स रिगार्डिंग फॉर बोथ एंटरप्राइजेस एंड वेंडर्स उद्यमों और विक्रेताओं दोनों के लिए बी टू बी डिजिटल भुगतान को फायदेमंद बनाने के लिए मास्टरकार्ड और क्रेडिक्स ने सहयोग किया विच बैंक हैज रिसिव्ड आर बी आई नोट टू मेक आई प्रोसेस सर्विसेज इट्स होली ओन सब्सिडी आई प्रोसेस सर्विसेज को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आईसीआईसी बैंक को आर बी आई की मंजूरी मिल गई

बारावती सहकारी बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है वर्ल्ड आर बी आई मेक टू देयर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी फॉर सिक्योरिटीज आर बी आई ने प्रतिभूतियों के लिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग श्रेणी में बदलाव किया है कि जो नाइनटी डे की सीलिंग थी उसको हटा दिया विच बैंक हैज़ लॉन्च वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड इन टाई अप विथ वीज़ा सो इंडस इंड बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

बैंक और एन को आरबीआई द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट समय सीमा तीस दिन की है वट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर मार्च ट्वेंटी मार्च दो के लिए वित्तीय समावेशन सूचका अंक है विच बैंक हैज साइन अ को लैंडिंग एग्रीमेंट विद क्रेडिट वाइज कैपिटल फॉर टू व्हीलर फाइनेंसिंग सो एच डी एफ सी बैंक ने दोपहिया वाहन वित्त पोषण के लिए क्रेडिट वाइज कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए विच कंपनी हैज लॉन्च ऑटो पे ऑन क्यू आर इन कोलेबोरेशन विद एन पी सी आई सो कैश फ्री पेमेंट्स ने एन के सहयोग से ऑटो पे ऑन क्यू आर लॉन्च किया है विष आई टी स्ट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद आई सी आई सी बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इको सिस्टम स्टार्टअप इको सिस्टम का समर्थन करने के लिए आई टी कानपुर ने आई सी आई सी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंक हैज़ पार्टनर विद मारुति सुजुकी टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सोल्यूशंस टू डीलर डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की

पांच लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए द ओ सी डी है पुअर सो वर्ल्ड बैंक ने गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने हेतु ओडिशा राज्य को फंड देने का निर्णय किया है इन पार्टनरशिप विद विच इंडियन फिनटेक स्टार्टअप हैज एन पी सी आई इंट्रोड्यूस द कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग कॉल द ओ टीजी रिंग एन पी सी आई ने भारतीय फिनटेक स्टार्टअप लिपक्विक के साथ साझेदारी में ओटीजी रिंग नामक संपर्क रहित भुगतान करने वाली वियरेबल रिंग पेश की

पटना सहकारी बैंक नियमित भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक राज्य स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक नियमित का लाइसेंस रद्द कर दिया अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट व्हाट इज रिवाइज सिटी प्रोडक्शन फॉर इंडिया इन फिस्कल ट्वेंटी थ्री एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल में भारत के लिए संशोधित जीटी अनुमान अनु पॉइंट थ्री परसेंट है विश्व बैंक लोस नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म टेलर फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सो एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वैनविल दरबीआई नॉर्मस ऑन बेसल थ्री कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम इन टू इफेक्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल थ्री पूजी ढांचे पर आर के मानदंड अप्रैल दो से लागू होंगे ट्रू कैफ फाइनेंस एंड बीच प्राइवेट सेक्टर बैंक है पार्टनरशिप फॉर एमएसएमई बिजनेस एंड गोल्ड लोन्स ट्रू कैफ फाइनेंस और एच डी एफ सी बैंक ने एम एस एम ई व्यवसाय और गोल्ड लोन और गोल्ड ऋण के लिए सहधार साझेदारी शुरू की है द द बैंक 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 ऑफ ऑफ इंडिया लाइसेंस सिटी बेस्ड कपोल कोऑपरेटिव लिमिटेड भारतीय ने मुंबई शहर स्थित कपोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया द कम्बाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एन पी एस एंड ए पी वाई हैज क्रोस्ड विच अमाउंट एन पी एस और ए पी वाई का संयुक्त एसेट अंडर मैनेजमेंट दस लाख करोड़ रुपए की राशि को पार कर गया वट इज द लिमिट सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर वेज एंड मीन एडवांसेस फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दाइनेंशियल फोर वित्त वर्ष दो हज़ार तेईस चौबीस की दूसरी छमाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वेज एंड मीन एडवांसेज के लिए निर्धारित सीमा पचास हजार करोड़ रुपए है वट इज द मॉनेटरी पेनल्टी अमाउंट इम्पोड बाई आर बी आई एन एस बी आई आर बी आई द्वारा एस बी आई पर लगाई गई मौद्रिक दंड राशि एक दशमलव तीन जीरो करोड़ रुपये की है विश्व बैंक हैज अपॉइंटेड मनीष जैन एज द कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग येस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है आरई सी लिमिटेड एस आई एन एंड विजय बैंक टू को फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर ई सी लिमिटेड ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौते के आभर पर हस्ताक्षर किए वट इज द मॉनिटरी पेनल्टी अमाउंट इम्पोज बाई आर बी आई ऑन सारास्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर एफ आर बी आई द्वारा लगाई गई मौद्रिक जुर्माना राशि तेईस लाख रुपये की है वट वॉज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फर्स्ट क्वार्टर दो हजार तेईस चौबीस फर्स्ट क्वार्टर में भारतीय करंट अकाउंट डेफिसिट नाइन पॉइंट टू बिलियन यूएस डॉल रही विच कर बेस्ट परफॉर्मिंग करंसी ऑफ द सेप्टेंबर क्वार्टर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस में सितंबर तिमाही में अफगानी मुद्रा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरी है इशू माफ कीजिएगा पूनावाला फिनप विल इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी इज द एक्सपेक्टेड बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू क्राइस रेटिंग क्राइस रेटिंग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित बैंक ऋण वृद्धि दर तेरह से साढ़े तेरह प्रतिशत है विच फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म विल एड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटू इट्स की इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम जून ट्वेंटी फोर सो वित्तीय सेवा फर्म जेपी मॉर्गन चेस 28 जून 2024 से अपने इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करेगी विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनमी अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर देश दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइन एंड एमओ यू विद विच बैंक फॉर लो इंटरेस्ट रेट होम उसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ फ्रेमवर्क अपेक्षित क्रेडिट हानि फ्रेमवर्क पर आरबीआई के कार्य समूह की अध्यक्षता आर नारायण स्वामी कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंटरनेशनल फाइनेंस टू एक्वायर नाइन पॉइंट स्टेक इन विच बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फेडरल बैंक में 9.7 परसेंट हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वित्तीय वर्ष दो हजार में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा जी वृद्धि का अनुमान सिक्स है आर बी आई अप्रूव द मर्जर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस विद विच बैंक आर बी आई ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के

वट इज सीटीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडियाल ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार फिस्कल 24 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान 6.3 परसेंट है सी बजरंग सिंह चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक सी बजरंग सिंह ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया अंकटेड रिस्ट इंडिया जीटीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी ने दो हजार तेईस के लिए भारत की जीटीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट कर दिया

सिडबी के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिक टू और थ्री पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए सिक्स मिलियन यू एस डॉलर की सुविधा शुरू की विस सुपर ऐप ने तीन साल में एक करोड़ ग्राहक जोड़ने के लिए इंडी नाम का सुपर ऐप लॉन्च किया व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द इंडिया जापान फंड हाल ही में लॉन्च हुए भारत जापान फंड की कुल राशि सिक्स मिलियन यूएस डॉलर है वट वॉज द क्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन सितंबर सितंबर में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.62 ट्रिलियन रुपीज रहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पेनल्टीपोस्ट बाई आर बी आई एन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि एक करोड़ रुपए है द रिजर्व बैंक बैंक ऑफ ऑफ इंडिया डायरेक्टेड टू टू सस्पेंड एनी फर्दर कस्टमर्स ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को जोड़ने से निलंबित करने का निर्देश दिया है

टू हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है इंडियन नेवी एंड बैंक लॉन्च कार्ड। भारतीय नौसेना और एस बी आई ने कार्ड लॉन्च e किया विच बैंक सो आईसी बैंक ने आई फाइनेंस सुविधा शुरू की है एज पर फिक्की सर्वे इंडियन प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट वर्थ परसेंट इन फिजी फोर फिक्किर में भारतीय अर्थव्यवस्था से बढ़ने का अनुमान है Which financial institution has approved 181 million US dollar loan to build quality infrastructure in Ahmedabad's peri-urban areas Asian Development Bank ने अहमदाबाद के उप-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 181 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है Which of the following has become the first Roshan bank to register with RBI as a foreign portfolio investor So Sovereign Bank विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक बन गया है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने ईटानगर में रिजर्व बैंक के उप कार्यालय का उद्घाटन किया द आरबीआई मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ एट अमाउंट ऑन चापी नागरिक सहकारी गुजरात आर बी आई ने चापी नागरिक सहकारी

अशोक वासवानी विल भी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीटिव ऑफिसर ऑफ उफ विच बशोक कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंधेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे विच बैंक पार्टनर विद सब्सिडीज ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड टू ऑफर सप्लाई चैन फाइनेंसिंग आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए इंडियन बैंक ने टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनियों के साथ सायेदारी की है विच ग्रामीण बैंक वोन एसोच एक्सीलेंस अवार्ड सो केरल ग्रामीण बैंक ने एसोच उत्कृष्टता पुरस्कार जीता The RBI has imposed a monetary penalty of for amount on Indrayani Cooperative Bank Limited, Pimpri, Maharashtra. RBI ने Indrayani Sahakari Bank Limited, Pimpri, Maharashtra पर तीन लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. As per S&P Global Market Intelligence, which country is set to become second largest economy in Asia by 2030, S&P Global Market Intelligence इंटेलिजेंस के अनुसार भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा विच बैंक हैज इंट्रोड्यूसड अ जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट गो सेविंग्स अकाउंट सो आरबीएल बैंक ने जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग उत्पाद गो सेविंग्स अकाउंट पेश किया है विच बैंक हैज लॉन्च अ सेल्फ सर्विस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस वे सो एच डी एफ सी बैंक ने स्वयं सेवा डिजिटल बैकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस वे लॉन्च किया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोजन ऑफ वट अमाउंट ऑन दल पीपल्स कोपेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल

15 lakh rupees to what amount? RBI ने गैर प्रतिदेय सावधि जमा की 1 करोड़ रुपए कर दी है Which bank अनाउंस strategic collaboration with Via Americas for its IFR platform? So, इंडस इंड बैंक ने अपने IFR एफ आर प्लेटफॉर्म के लिए वी एम के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है वट इज द डेली आरबीआई ऑन क्रेडिट ब्यूरो ग्राहकों की शिकायतों को तीस दिनों के भीतर हल करने में आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो पर दैनिक सौ रुपए का जुर्माना लगाएगा द आरबीआई इम्पोज द मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ वट अमाउंट ऑन शिहरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात आरबीआई ने शिहरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर एक लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्मान लगाया है फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेट टू मर्ज विद बैंक फ्रॉम फेबर फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक फरवरी दो हजार चौबीस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होगा हु हैज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय बाई दरबीआई आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया

डिफिसिट रीच इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाई में केंद्र का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के उनतालीस दशमलव तीन प्रतिशत तक पहुंच गया जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अक्टूबर विच मंथ ऑफ 2023 ट्वेंटी थ्री अक्टूबर दो हजार तेईस के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह दो के अप्रैल महीने के बाद दूसरा सबसे अधिक है एसबीआई कार्ड है रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी में ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया Which bank has appointed Rohit बैंक रोहित ऋषि डायरेक्टर रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया विच ऑर्गेनाइजेशन conferred द बिजनेस Lines चेंज मेकर ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री RBI सो आर बी आई को बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया Bank Limited, Tamil Nadu? RBI ने तमिलनाडु के दोलारपेट कोर्बन बैंक लिमिटेड पर पचास हजार रुपए की राशि का जुर्माना लगाया है has partnered with Institute of Rural Management, Anand, to promote financial inclusion and literacy in India? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साय की है फिश रेस इंडिया मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट वर्सेंट फिश ने भारत की मध्यावधि विकास का अनुमान बढ़ाकर छह दशमलव दो प्रतिशत कर दिया विश रेटिंग रिटेन इट्स सिक्स परसेंट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर रेटिंग एजेंसी एस एन पी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान छह प्रतिशत बरकरार रखा है हालांकि अब चेंज हो गया है सिक्स पॉइंट फोर परसेंट हो गया है अब How much is the interest मच इज द for रेट रिबेट borrowers फॉर दिव्यांग नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएफीसी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) के तहत दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में एक प्रतिशत छूट की घोषणा की गई What is UBS revised fiscal 24 real GDP growth estimate for India? भारत के लिए UBS का संशोधित फिस्केट 24 वास्तविक जेटीपी वृद्धि अनुमान 6.3 परसेंट है

इंडिया साइन अ फोर हंड्रेड मिलियन यूएस लोन एग्रीमेंट विदियल टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 400 मिलियन यूएस के ऋण समझौते हस्ताक्षर किए रिलीज द फर्स्ट फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग विदाइटल इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट ट्वेंटी

जयप्रकाश एसोसिएट्स ट्रांसफर्ड 7.71 परसेंट इक्विटी स्टेक टू विच बैंक जयप्रकाश एसोसिएट्स ने सात दशमलव सात एक प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी आईसीआईसी बैंक को हस्तांतरित की है विद होम डिट सिड टू इंट्रोड्यूस द संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्ण एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए एस ने जोकाटा के साथ सहयोग किया ट टाइप अपी एफ सी लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स सो कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए एस डी एफ सी लाइफ के साथ समझौता किया है बाई हाउ मच डीड द आरबीआई इंक्रीज द रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन आरबीआई ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट पच्चीस प्रतिशत बढ़ाया

आरबीआई ने यूसीबी में धोखाधड़ी पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर नासिक मर्चेंट पर अड़तालीस दशमलव तीन जीरो लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स के अनुसार दो हजार तेईस में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि छह दशमलव तीन प्रतिशत है सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात फॉर नॉन इट्स डायरेक्शंस आरबीआई निर्देशों का पालन न करने पर वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक गुजरात पर पच्चीस हजार रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है 125 so, ने भारत के ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक सौ पच्चीस मिलियन इन्वेस्टर के समझौते हस्ताक्षर किए एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड अंसिंग प्रोग्राम ऑफ अप टू हंड्रेड मिलियन पाउंड टू सपोर्ट इंडियन एमएसएम एंड कॉर्पोरेट्स फॉर फाइनेंसिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूके यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस और एच एस पी सी इंडिया ने भारतीय एमएसएमई और कॉरपोरेट्स को यूके से उनके आयात के वित्त पोषण के लिए हंड्रेड मिलियन यूरोड मिलियन पाउंड तक के वित्त पोषण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंकोरेट टाइप विद बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए बजाज आलियां लाइफ इंश्योरेंस के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी की हैल्टी ऑफ एमाउंट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा नॉन कम्पलाइंस अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर चार दशमलव तीन चार करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है Who has been appointed as the administrator by the Reserve Bank of India to manage the affairs of Abhyudaya Cooperative Bank Limited? Abhyudaya Sahakari Bank Limited मामलों के प्रबंधन के लिए Reserve Bank द्वारा प्रशासक के रूप में सत्य प्रकाश पाठक को नियुक्त किया गया Who launched the Investor Risk Reduction Access IRRA platform at the Bombay Stock Exchange BSE? Bombay Stock Exchange पे Investor Risk Reduction Access platform माधीपुरी बूच जो कि सेबी चेयरपर्सन है इनके द्वारा लॉन्च किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है भारत के एमएसएमई के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए यूग्रो कैपिटल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की एशियाई विकास बैंक ने कोची शहर में जलापूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी वित्त वर्ष चौबीस के लिए भारत की जो संशोधित विकास पूर्वानुमान दर है यह 6.4 परसेंट है एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडस बैंक ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आईजीएल स्टेशनों पर डिजिटल रूपये के उपयोग की सुविधा के लिए साझेदारी की घोषणा की वित्त वर्ष दो हजार की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर सात दशमलव छह प्रतिशत ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि है दस हजार रुपए बर्गशायर तो ने पेटीएम में अपनी पूरी टू प्रतिशत हिस्सेदारी 1371 करोड़ रुपए में बेच किस भुगतान बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है सही आंसर ऑप्शन बी है फिनो पेमेंट्स बैंक फिस्कल 24 के लिए ओईसीडी द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान है 6.3% प्रतिशत। एसबीआई म्यूचुअल फंड करूर वैश्य बैंक ए... कि चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का नौ दशमलव नौ नौ प्रतिशत तक अधिग्रहण करेगा सेबी ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के इश्यू साइज को एक करोड़ रुपए से घटाकर पचास लाख रुपए करने की मंजूरी दी है फेडरल बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए एनसीडीएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की बंधन बैंक ने तीन साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति की घोषणा की नवंबर में एस ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू रही 56। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक मिलियन यूएस डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गोदरेज कैपिटल निर्माण ने एमएसएमई विकास में सहायता के लिए डीबीएस बैंक इंडिया वीजा और अमेजोन के साथ साझेदारी की घोषणा की भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अनुमान एस एजेंसी ने लगाया है एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा एस 230 करोड़ रुपए में एसबीआई पेंशन फंड में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिकरण करेगा नवंबर में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ग्यारह बिलियन लेन दर्ज किए गए आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्था, संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष दो हजार के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान सात प्रतिशत है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई e मैंडेट की सीमा प्रतिदिन प्रति, प्रति लेन देन एक लाख रुपए तक बढ़ा दी है फि ट्वेंटी में बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का दशमलव तीन प्रतिशत बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित था टाटा न्यू ने सहटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एच बैंक के साथ, साथ की है। सीआईआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान छह दशमलव आठ प्रतिशत है एयर इंडिया और एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड पॉइंट रूपांतरण साझेदारी की है बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करोड़ वैश्य बैंक में एक दशमलव पांच प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक अश्योरेंस साहिदारी में प्रवेश किया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी दो दशमलव जीरो का प्रदर्शन समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दो मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बैंक के के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थान, संस्थानों पुरस्कारों के लिए दो जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में फेडरल बैंक से को सम्मानित किया फिनटेक कंपनी इंफ्लैक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक के साथ अस्सी करोड़ रुपए के समझौते हस्ताक्षर किए दो इनकम टूट रेशकर चौबीस के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना श्रृंखला तीन का आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य रहेगा छह हजार एक सौ निन्यानवे रुपए पर ग्राम एल कार्ड मास्टर कार्ड और आईडीएफसी फर्स्ट कार्ड फर्स्ट बैंक ने एक विशेष से भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 250 मिलियन पचास के ऋण समझौते हस्ताक्षर किए आरबीआई ने मनमंदिर ने मन मंदिर को महाराष्ट्र पर तीन लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है दो हजार के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह सत्रह दशमलव जीरो एक प्रतिशत है कैश फ्री पेमेंट्स ने फ्लोवाइज नाम से भारत का पहला स्व होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आई कानपुर के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है आईसीआरए के अनुसार फिस्कल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान छः दशमलव प्रतिशत है ने डायमंड समूहों के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया हाल ही में एस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के माध्यम से सात हजार चार सौ पच्चीस करोड़ रुपए जुटाए हैं लाइफ के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए बंधन बैंक ने असम सरकार से ई जी आर ए एस पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आगे आदेश प्राप्त किया ई ने अहमदाबाद शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर सात लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है भारत सरकार और एडीबी ने त्रिपुरा राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण के अतिरिक्त किश्क के रूप में बहत्तर करोड़ रुपए की राशि जारी की इंडस बैंक ने हाल ही में निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी पूरी दो दशमलव आठ छह प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बैंकेंस साझेदारी में प्रवेश किया एसबीआई ने अहमदाबाद स्थित कैनपेक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में छह दशमलव तीन पांच प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है दिसंबर को समाप्त सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य छह बिलियन यूएस डॉलर था एलआईसी को अनिवार्य 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए एक मुश्त छूट दी गई है अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ समझौता किया है रिटेल इनोमिक्स रिपोर्ट के अनुसार पे नियर बाई की रिटेल इन रिपोर्ट के अनुसार वॉल्यूम के संदर्भ में अर्ध शहरी और ग्रामीण खुदरा स्टोरों पर यूपीआई लेन देन में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है सिडबी ने हैदराबाद और दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स तैनात करने के लिए ईटीओ मोटर्स को बारह करोड़ रुपए दिए साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं और डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं साथ ही आपको बता दें जो करंट अफेयर्स मैगजीन मैंने बताई है यदि आप उसको चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा ठीक है कोई भी आपका एग्जाम होगा सभी के लिए केवल आपको एक वही मैगजीन पढ़नी है थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में लेकिन अगर आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रह जाएंगे कि हाँ अब मेरे करंट अफेयर्स पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू वाइस